नहीं नहीं अच्छी बात है, मतलब जो आपको बात तो रुक रही है मेरे कोर्ट में, सिर्फ कोर्ट में नहीं है, चलो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान सरकार मांग रही है और आप जहां हाई कोर्ट में स्टे भी नहीं लगाया लेकिन आपने फिर भी हम पर मुकेश हाई कोर्ट का स्टे का बात ही नहीं है, मतलब ये कोर्ट का बात ही नहीं ना, मैं सिर्फ लॉ और जो हमारा जो सैंक्चुअरी के बारे में, तो लॉ हमारे लिए है सर, वो तो सच है, वो तो है फैसला करने की, चलो भाई क्या हो रहा है आपके साथ हम जाते हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, लॉ आपका है ना, इसलिए मतलब इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे रहे, लॉ तो सर गरीब लोगों के लिए है, बाकी सरकार के लिए कोई भी लॉ नहीं है, गरीब लोगों के लिए लॉ है और बाकी लॉ है कांग्रेस भी आई, बीजेपी आई, बिजाई चली रही, कभी नहीं रुकी, जो पिछले विधायक आया बीजेपी के रोक दी, जो वन्य प्राणी एक्ट है हम उसका पालन करेंगे, नहीं नहीं तो हम 45 साल से बीज रहे हैं बनने, अब 4 साल पहले शुरू हुआ है, 2 साल पहले शुरू हुआ है, 40 साल से बिजाई कर रहे हैं हम सर, वर्तमान में जो आपको बिजाई के लिए रोका किसने, इसके लिए आप वर्तमान हमें आज से 3 साल पहले रोका गया है, 3 साल पहले वो जब चाहे बधाई बीजेपी का हो या कोई भी हो उसके थ्रू रोका गया, उससे पहले हमने 40 साल हमने बिजाई की है और करते आए हैं, किसने रोक रही, पिछले वर्ष बीजी थी आप, पिछले वर्ष बीजी थी, इस बार बिजाई अभी रोका, अभी रोक रहे हैं, अभी रोक रहे हैं, पिछले साल भी बीजी थी हमने, और 3 साल हो गए ना, नाम आया को बोलते हैं पेजी नहीं बीजने देनी, नहीं बीजने देनी, पानी चढ़ता है फसल डूब जाएगी हमारा, हम किसी की फसल के जिम्मेवार नहीं होंगे, ठीक है, और जब पानी उतरेगा तो आप गेहूँ बीज सकते हैं, दो हमारी अग्रीमेंट में है, हाँ अग्रीमेंट में है। अच्छा दूसरी बात ये है, हमें जमीन जो है पौंग बांध बीबी अम्बाड़े ने यह कहा था कि आपको हम जहाँ से उठाकर गंगानगर में बसाएंगे राजस्थान, वो भी हमारा एरिया रिजर्व किया हुआ था, ठीक है, और उस टाइम तो ऐसा था सर पेजी, जितने भी हमारे बुजुर्ग थे वो सभी गरीब थे और इतनी अनपढ़ता थी, इतने बोल बालने वाले नहीं थे, ठीक है, और 200 रुपया कनाल से हिसाब नाल उन लोगों को उस टाइम पर क्लेम कर दिया, आज जमीन जो है ना, ठीक है, किसी को 2000 मिला, किसी को 3000 मिला, ठीक है, वो बाहर जाकर जमीन नहीं खरीद सके आज तक भी, दो में पेंशना बंद, ठीक है, कोई भी बंदा नौकरी करता है उसकी पेंशना बंद, ये 5 साल विधायक बन गए 80,000 रुपया पेंशन लग गई है, आराम से खाते रहे पेंशन, ये आराम से खाते रहेंगे, नहीं जय राम से खाते रहे 5 साल, बहुत इन्होंने कई मारी है बहन के, जहाँ बिल्डिंग तैयार की है और लूडा मार बताया हुआ, ठीक है सर, अच्छे है हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, पहले सबको नमस्कार और जो नया साल का जो सबको शुभ नाम काम, और मैं DFO वाइल्ड लाइफ हमीरपुर, जो पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वाइल्ड लाइफ डिवीजन हमीरपुर के अंडर है, और इसमें काफ़ी सारा इश्यूज़ है, उसमें पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू और जो इशू हम एड्रेस करने के लिए चाह रहे हैं वो जो है कल्टीवेशन इन एंड अराउंड द पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके बारे में जो पहले जो कल्टीवेशन बिल्कुल इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, और जो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 29 एंड 31 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके अंदर जो कल्टीवेशन हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, और अगर कल्टीवेशन अगर किसी ने कर रहे तो उसके ऊपर हम एज पर लॉ एक्शन करेंगे, ठीक है ना, कितने के ऊपर एक्शन लिए जो अभी कल्टीवेशन, अभी जो जितने भी अभी तक जो हमने हमारा स्टाफ ने काफ़ी एफर्ट्स से मतलब कल्टीवेशन को रुका है,
जो जगह पर मतलब पिछले साल तक या जो जो भी पहले जो कल्टीवेशन हुआ, अभी वहाँ पे जो कल्टीवेशन नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली जो हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया, ड्रोन यूज़ किया, फ्रीक्वेंटली पेट्रोलिंग किया, हमने पेट्रोलिंग पार्टीज बनाया, और काफ़ी पहले जो जो लोगों को नहीं पता है ये ज़मीन पर हम ये सेंचुरी के अंदर है, उनको भी हमने अनाउंसमेंट किया और अवेयरनेस कैंप्स क्रिएट किया, सो दैट जो जितने भी लोगों को नहीं पता ये जगह पर हम नहीं कर सकते हैं वो अवेयरनेस की वजह वो नहीं कर रहे। और जो डेटा अभी मेरे पास नहीं है, बट लेकिन हमने काफ़ी सारा जो जगह पर जो इलीगल कल्टीवेशन चल रहे या जो नाइलॉन थ्रेड से या ट्रैक्टर से या जो इन्होंने पेस्टिसाइड यूज़ किया वहाँ पर काफ़ी हमने रिडक्शन किया कल्टीवेशन को। और जब तक ये सरकार डिसीशन लेगा और जो एज पर अंटिल द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, यहाँ पे हम अनलेस अंटिल अ डिसीशन इज टेकन ऑन दिस इश्यू हम कल्टीवेशन बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। इसमें जो है कि पंछियों की भी भलाई है और किसानों की, सबसे पहले कि इसको जो है कि वर्ड सेंचुरी एरिया घोषित कर दिया गया और 1390 से लेकर 1410 तक जो है कि जहाँ पर प्लांटेशन की गई है, तो प्लांटेशन से तो पंछियों को खाने को मिलने वाला कुछ नहीं है। इससे इसमें यही भलाई है कि जैसे जे नीचे किसान लोग खेती करते हैं उससे जो है कि पंछियों की भलाई है, क्योंकि अब जे खेती नहीं बिजाई नहीं हुई है तो जे हमारी साइड के किनारे के ऊपर जो हमारी पर्सनल लैंड है उसमें जे जो है नुकसान कर रही है। यदि जे इसका एरिया कल्टीवेटर होता रहेगा तो कुछ तो लगभग 50% तो पंछी खा जाते हैं और जो 50% बचता है उससे जो है कि किसान लोग अपना पालन पोषण करते हैं। इस बात से जो है कि दोनों चीज़ों की भलाई है, पंछियों की भी और किसानों की भी, और जो पर्सनल लैंड है वो भी बची है।